मुंबई फैशन स्ट्रीट दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख। मुंबई के सर जज अस्पताल में मिली 132 साल पुरानी सुरंग, 200 मीटर की है लंबाई। मुंबई दंगे 108 लापता लोगों के रिकॉर्ड पर गौर करने के लिए समिति गठित, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। नवाब मलिक को एक और झटका, करोड़ रुपए की 8 प्रॉपर्टीज को जब्त करेगी ईडी। रोड एक्सीडेंट पर नितिन गडकरी सख्त, 2024 तक 50% हादसे कम करने की कसम खाई। महंगाई का डबल अटैक, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में एक साथ हुआ इजाफा। मुंबई में दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड नहीं होने पर बीएमसी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। जेल से सुकेश का आरोप, केजरीवाल महाठग, कहा राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ लिए। फिल्म देहाती डिस्को के प्रोड्यूसर कमल किशोर पर 3 और मुकदमा दर्ज, 12 लाख रुपए की ठगी का आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए बांद्रा में मिलेगी जमीन, सीएम शिंदे का ऐलान। लवारिस कुत्तों को घर में खाना खिलाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने 1992-93 मुंबई दंगे में लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश। जनगण मन और वंदे मातरम का दर्जा बराबर करना चाहिए सम्मान, हाईकोर्ट में बोली केंद्र सरकार। सारस मिस्त्री की मौत के 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज, अनाहिता पंडोले पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप। न्यायिक हिरासत में चल रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की कुछ संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त करने की विशेष पीएमएलए कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है। आपको बता दें, मलिक को ईडी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री रहे नवाब मलिक पर भगौड़े अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर एवं मुंबई विस्फोटक कांड के एक आरोपी सलीम पटेल के साथ मिलकर कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड में 3 एकड़ भूखंड कब्जा करने का आरोप है। यह कंपाउंड मुनीरा प्लम्बर नामक महिला के नाम पर था। प्लम्बर ने इस प्लांट की पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम कर दी थी ताकि वह इस भूखंड पर हो गए अवैध कब्जों को हटवा सके, लेकिन पटेल ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद मुनीरा प्लम्बर की मदद करने के बजाय दाऊद की बहन एवं नवाब मलिक के साथ मिलकर उसके भूखंड पर ही कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश काल के दौरान बनी 132 साल पुरानी सुरंग मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में मिली है। ये सुरंग 200 मीटर लंबी है। इस सुरंग का शिलान्यास वर्ष 1890 में किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल की डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले ने बताया कि जिस बिल्डिंग के नीचे सुरंग मिली है उसका इस्तेमाल कभी महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए मेडिकल वार्ड के रूप में किया जाता था, लेकिन अब इसे एक नर्सिंग कॉलेज में बदला जा रहा है। यह सुरंग जेजे अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई के परिसर में स्थित है। डॉक्टर सप्ले ने बताया कि हमें पहले से पता था कि नर्सिंग कॉलेज के नीचे एक सुरंग है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक नक्शा नहीं था, इसलिए इस सुरंग को खोजने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि एक दिन एक चिकित्सा अधिकारी को नर्सिंग कॉलेज की सतह पर एक छेद मिला तो वह उत्सुक हो गए। इस पर जब वह तहखाने में गए तो सुरंग का रास्ता मिल गया। डॉक्टर सप्ले ने बताया कि औपनिवेशिक काल की सुरंग का विवरण कलेक्टर कार्यालय एवं पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा, इसके बाद आगे की जांच की जाएगी। मुंबई से अगवा किए डिजाइनर हरिओम शरण मिश्रा को मुंबई पुलिस ने गुजरात से रेस्क्यू कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गुरुवार 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास हरिओम को किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद ढिंडोसी पुलिस को सूचना मिली थी। गुरुवार को मलाड इलाके के दफ्तरी रोड पर एक रेस्तरा के बाहर 4 लोगों ने पीड़ित को एक गाड़ी में जबरन किडनैप कर ले गए थे। फिलहाल डिजाइनर हरिओम शरण की किडनैपिंग क्यों की गई थी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस को पता चला था कि घटना के बाद आरोपी पीड़ित हरिओम को अहमदाबाद मुंबई हाईवे के रास्ते से वापी की दिशा में लेकर गए हैं। रास्ते में हरिओम का मोबाइल ऑन था।
तो उसकी लोकेशन के आधार पर महज 24 घंटे में पीड़ित को रेस्क्यू कर लिया गया। मुंबई की ढिंडोसी पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित हरिओम की पत्नी से बात की और इस बात की पुष्टि की कि हरिओम शरण को मलाड इलाके के दफ्तरी रोड पर एक रेस्तरा बाहर से अगवा कर लिया गया। आरोपियों ने पीड़ित को एक कार में बैठाया और गुजरात की तरफ ले गए। इसके बाद पुलिस हरिओम का फोन लगातार ट्रेस करती रही और पता चला कि वो गुजरात में है। इसके बाद पुलिस ने गुजरात की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और किडनैपिंग में इस्तेमाल वाहन का पता लगाया।